नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और चर्चा करने जा रहे हैं यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज शुक्रवार के दिन कमोडिटी बाजार के लास्ट वर्किंग डे पे कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और आने वाला कारोबारी सप्ताह कमोडिटी बाजार कैसा रह सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करें हम यहाँ पर सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने और चांदी में देख रहे हैं कि वही उठापटक वाला दौर आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी जारी है, शुक्रवार के दिन। गोल्ड देख रहे हैं इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में $1952 पर है। सिल्वर $24.25 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। हमने 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले गोल्ड और सिल्वर में अच्छी बढ़त बनती हुई देखी थी, सेफ हमें डिमांड निकली थी अचानक से, लेकिन फिर देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो प्राइजेज हैं उनमें एक नरमी देखने को मिली है। गोल्ड और सिल्वर का जो बाज़ार है वो अभी ऐसी वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करता नज़र आ रहा है। दरअसल ये जो US ट्रेजरी यील्ड्स हैं उनमें बढ़त देखने को मिली है, डॉलर में तेज़ी देखने को मिली है। दूसरा, जो US फेडरल रिजर्व बैंक है उन्होंने कहा है कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव कर सकता है, फिर से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है विश्लेषकों द्वारा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो प्राइजेज हैं उनमें एक नरमी देखने को मिली है। तो अब यहाँ से सोने चांदी का बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम सीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी। आपको क्या लगता है, क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह भी ऐसी उठापटक के साथ देखने को मिलता रहेगा? देख रहे हैं कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थिति है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है इस टाइम पे। देखिए, बिल्कुल अभी जो है बाजारों में काफी असमंजस की स्थिति है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि उठापटक का माहौल बना हुआ है और आज भी गोल्ड जो है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह से इसके अंदर जो है प्राइसेस में मूवमेंट जो है वो एक काफी सीमित दायरे में देखने को मिल रही है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि आज भी इंट्राडे की अगर बात की जाए तो 1952 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और कल से वही सत्र जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी रेंज बाउंड रह सकता है और अगला हफ्ता भी मार्केट की जो रेंज रहेगी 1900 से लेकर $1960 की देखने को मिल सकती है। और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी प्राइसेस के अंदर एक डाउनसाइड बना रह सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में अभी भी पॉजिटिव है मार्केट, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर बना रह सकता है। जी रूपा जी, जिस हिसाब से रशिया और यूक्रेन की जो युद्ध की स्थिति है वो और ज्यादा गहरा रही है, युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे में हम अक्सर देखते हैं कि इमरजेंसीज में जो सेफ हेवन डिमांड है गोल्ड सिल्वर की वो बढ़ जाती है। युद्ध शुरू होते ही हमने बढ़ते हुए भी देखी थी प्राइसेस गोल्ड सिल्वर के, लेकिन अब ये जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है इसमें क्या सेफ हेवन डिमांड अभी भी निकल सकती है? अगर स्थिति और ज्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी फैलती है और स्थिति और ज्यादा भयानक होती है तो डेफिनेटली सोना ही एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें डिमांड जो है वो पिकअप होते हुए हम देखते हैं और सभी इन्वेस्टर जो है वो इसकी तरफ रुख करते हुए नजर आते हैं और सोने में एक न्यू बाइंग देखने को मिलती है, ना केवल इन्वेस्टर की तरफ से बल्कि जो बड़े बड़े हाउसिंग फंड हैं उनकी तरफ से भी इसके अंदर एक डिमांड पिकअप होते हुए दिखाई देती है। तो अभी जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव है, नो डाउट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी प्राइसेस के अंदर बूटस्ट्रैप है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार गोल्ड जो है वो $2000 टच करके ऊपर निकल सकता है, जिस तरीके की अभी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अगेन नीचे में अगर स्लिप भी करता है तो $1900 एक अहम सपोर्ट रहेगा, यानी कि 1900 से लेकर अभी जो रेंज है 1960 की है, इसके ऊपर निकलता है तो 2000 तक के लेवल भी एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। जी यहीं से रूपा जी, कच्चे तेल में क्या लगता है आपको? कच्चे तेल में देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स कुछ तेजी वाले भी हैं, कुछ मंदी वाले भी हैं, तो इसी बीच आपको क्या लगता है फंडामेंटल्स ऐसे रहने की वजह से ये जो क्रूड ऑयल का बाजार है अब वो कैसे ट्रेड कर सकता है? देखिए, क्रूड ऑयल भी काफी वोलेटाइल है और न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है और आज फिर करेक्शन के अंदर है और डिमांड का कंसर्न निकल कर आया है कि 4% वीकली जो है वो डिमांड जो है वो वीक हुई है, जिसकी वजह से एक अगेन प्राइसेस जो है वो दबाव में आते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि चाइना में कोविड की वजह से लॉकडाउन की स्थिति गहराने की वजह से डिमांड के ऊपर इंपैक्ट आया है, जिसकी वजह से कच्चा तेल लुढ़कता फिर से दिखाई दिया है और जैसे ही थोड़ा सा इधर पाता दिखाई देता है वहां से कच्चा तेल एक बार फिर से हमें अपसाइड में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर
अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो एक ये फैक्टर ऐसा होगा जो नेगेटिव रहेगा कच्चे तेल के अंदर, अदरवाइज देखा जाए तो अभी सभी फैक्टर काफी पॉजिटिव हैं इसको लेकर और तेजी की तरफ जा सकते हैं। अगर यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई छिड़ी हुई है अगर वो उसमें ईज ऑफ नहीं आता तो कच्चा तेल अगेन तेजी की तरफ बना रहेगा और अभी जो रेंज देखने को मिल सकती है वो नीचे में बहुत ज्यादा, अगर करेक्शन भी आती है तो $90 तक नीचे डाउनसाइड है और ऊपर में $120, तो फिलहाल ये रेंज में बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर पर बेस मेटल्स में क्या लगता है आपको, देख रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बेस मेटल्स का जो बाजार है वो नरमी के साथ खुला है? देखिए बेस मेटल में जरूर नरमी आई है लेकिन बेस मेटल में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बेस मेटल काफी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म जरूर करेक्शन बनी रह सकती है, आपको आज भी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ऊपरी स्तरों पर एक बार मुनाफा वसूली हावी होते हुए नजर आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि बाजार जो है वो गिरते हुए नजर आए और आगे चलकर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बेस मेटल में करेक्शन पर बाइंग की ही रखनी चाहिए। जी रूपा जी ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि चाइना जो कि इस समय लॉकडाउन की स्थिति से जूझ रहा है कोरोना के चलते, तो चाइना की इकोनॉमी को थोड़ा रन देने के लिए, थोड़ा बूस्टअप देने के लिए एक स्टिमुलस पैकेज दिया जा सकता है। अगर स्टिमुलस पैकेज की घोषणा होती है चाइना के अंदर इस दौरान तो इसका असर बेस मेटल्स की कीमतों पर कितना देखने को मिलेगा? देखिए अगर स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा और एक बार फिर से डिमांड जो है वो जनरेट होती हुई दिखाई देगी और बाजारों में एक बार फिर से तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई देगा। जी रूपा जी टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप नॉन एग्री कमोडिटीज में? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज में आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो आज थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कमोडिटीज में आ सकता है, जिंक मुझे लगता है कि अगेन प्रेशर में रह सकती है, जिंक के अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है, नीचे में 365 तक का स्तर संभव है कि देखने को मिल सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।